ढिड इंसान कोला के करांदा है ये उसकी पता होंदा है जिन्ना अपने ढिडा दी जिहड़ी अग है उसी सालना होंदा है कि के कोई भी इंसान जेल्लै बड़लै जागदा है जां राती जिस वेले सौंदा है ढिड ते उसने भरना गा होंदा है। कम काज दे सिलसिले च ये नौजवान जेहड़े न ये यूपी थमां जम्मू कश्मीर च आए दे न, होर काम नहीं लब्भा ते इन्हें ये जिहड़ियां गड्डियां धोने वालियां पाइपां न उन्हें गी बेचना शुरू कर लैता दा। ये देखो तुस जिस वेले भी तुस नगरोटे वाली बक्खी जां कटरे वाली बक्खी जाओ तो रस्ते च तुसें गी ये जिहड़े बच्चे न ये पाइपां बेचदे जां झूले बेचदे पींगां बेचदे तुसें गी लब्भी गै जंदे न। इधरे लंघा करदे हे ते दिक्खिया भाई ये जागत जिहड़े नौजवान न बैठे दे न बख बख थारां इन्हें अपने जिहड़े पंडाल ने सजाए दे न, ये जिहड़ियां पाइपां इन्हें लाई दियां न रंग बिरंगियां पाइपां न जाने वाले की आकर्षित भी कर दियां न कि कई तो दिखते हैं तो उन्हें भी पता नहीं होंगे भाई चीज़ा के लटकाई दें कि अक्सर जिहड़ियां पींगा या जिहड़े झूले बनाए दे होंदे न वो इत्थे टंगे दे होंदे इन्हें कहना भाई अपना रस्सी लाइए, पर अज अस भी अचानक रुके अस तां इह भाई ये झूले इन्हें लाए दे पर जिस वेले इन्हें दिखिया इन्हें बड़ियां टूटी छूटियां लगी दियां तो मैं आखिया इंदे कन्नै गलबात करने आ तो साढ़े कन्नै ये रिजवान है जागत उत्तर प्रदेश का है। तो रिजवान किहड़ी जगह रहने वाले हो? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर सर। अच्छा मुजफ्फरनगर दे जी सर। जम्मू कदों आए? ओए 2.5-3 साल। अच्छा हां जी ते के काम इए बेचने दा काम या पहला शुरुआत कुछ और कने की? नहीं नहीं यही काम है सर। अच्छा हां जी ते ए के है जेडी पाइपा बेचे दे तुस? ए अड्डे आ जी तीन वैरायटी साडे कोल हुंदियां है। अच्छा हां जी गड्डी वॉश करने वाली हुंदी है। अच्छा अच्छा ते इसी अगे ओ पकड़ने वाला लगे दा है ते गड्डी वाश होई जंदी ना इन्हें? हां जी हां जी। अच्छा इसी मोटर कने लाने पौंदा जां इयां पाइप कने? नहीं मोटर च लगदा सर जी। मोटर लगदी है ते ए पिछले 3 सालें दे इये बेचे दे हो? हां जी इह बिकदे बिकदियां? हां जी बिक जांदियां। बिक जांदियां हां 5-7 बिक जांदियां। बिक जांदियां के कीमत है इहदी? इक दी 450 अलग-अलग वैरायटी है जी। 450 स्टार्ट है। अच्छा इक 450 दी? हां जी। ते किन्नियां वैरायटियां? त्रै। किन्ने किन्ने दी वैरायटी? इक पहली 450 550 650 रोटी वगैरा ਮੈਂ ਰੂਮ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਣਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੜਾਈ ਕੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੇ? ਇੰਟਰ ਪਾਸ। ਇੰਟਰ ਪਾਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਬਸ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁੜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਆ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ? ਬਸ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕੋਲ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸੋਚਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਤੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਏ ਦਿਨ 'ਚ, ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿ੦ੰਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਸਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ? ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਲੇ ਖਰੀਦੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ?
पर पीस का हिसाब है साढ़ा 50 रुपये पीस है बस। हाँ जी, यानी कि एक पीस के तुम 50 रुपये बचने। हाँ जी, जे बिकी गए तो ठीक है जी, जिस दिन नहीं बिकते तो बस खर्चा लिख लेंदा वो कॉपी से। अच्छा। हाँ जी, उमा महीने बाद कुछ बचता भी है जां साडा इयां सैर सपाटा बचता? नहीं, सैर सपाटा बचने बचता भी है सर जी। घर पैसे भेज दियो? हाँ जी बिल्कुल भेज दें। हाँ जी भेज दियो, बिल्कुल। तो तुम्हें कदम सोचा नहीं है भाई पैसे चार जेल होंगन तो अस अपने तौर पर गए 5-7 नौजवान जुड़ी है अपना काम शुरू करके? काम तो शुरू करे सर जी महीने से मान के चलो तुम 10-15 हज़ार रुपये घर खर्चा भी है। अच्छा, घर भी भेजने होंगे? हाँ जी बिल्कुल, भाई घर खर्चा भेजे जा बंदे जोड़िए। अच्छा, एक क्यों करना पैना है बंदे ना जोड़ने पिछों अपना घर पहुँचा दी गुजर बसर हो जाता है। ब्याह किया था? है जी, ब्याह किया था मेरा? नहीं नहीं हले तक नहीं। अच्छा, अली कुआरा है? कुआरा ही है सर। तो ता गया भाई सर्कल चला करता है तो जल्द कल की लाड़ी आई है तो फिर तो उन्हें तो बड़ा कुछ मंगना भाई। वो बाद चो देखे जाऊँ है, वो बाद चो देखे जाऊँ। उसी तो बड़ा कुछ चाहिए भाई। नहीं कोई गल नहीं, हो अगे देखे जाऊँ। तो कोई जुगाड़ बना दा भाई पैसे शैसे जोड़ा दा ब्याह ताई जां? मैं अगे देखे जाऊँ सर, ज्यादा तो टाइम ही नहीं है। मेरे तो बड़े दो और बड़े भरा आ। अच्छा, दो वाली है ना रुकावट है अली? हाँ जी हाँ जी, दो बड़े भरा आया मेरे। चलो उनका भी तौले तौले ही आ, फिर तेरा भी नंबर आई जा, खूब मेहनत करो। बड़ा बड़ा शुक्रिया तेरा। दिखी लिया तुसें रिजवान अपने मना की गल इसने सुनाई है कि यूपी का आनी जम्मू च यह जड़ियाँ पाइपां धोने वाली गड्डियां धोने वाली जड़ियाँ पाइपां उन्हें गी बेचा करता है और खुश है। चेहरा दिख लो तुस मुस्कुरा दा है, खुश है कि के काम ही अगर ठेकेदार कोला लैंदा एकड़ियां पाइपां और फी बेचियै जेड़ा इसी बचदा ये लैंदा बाकी पैसे ये ठेकेदार गी दिंदा है। अगर मेहनत कन्नै ते इमानदारी कन्नै कोई भी तुस काम करो तो उंदे चेहरे पर भी खुशी रौंदी ते मना च भी सुकून रौंदा।